अजीत पवार की बगावत के बाद आज शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन, सतारा की रैली के लिए शरद पवार घर से निकले। आज सतारा में बड़ी रैली करेंगे शरद पवार और अपनी ताकत दिखाएंगे। सतारा में वाईबी चव्हाण की समाधि पर जाएंगे पवार। शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद भी उनके साथ रहेंगे। तो एनसीपी में जो बगावत हुई है उसके बाद से अपने अपनी ताकत दिखाने को बेकरार हैं चाचा और भतीजे। जी हाँ, तो सीनियर पवार दिखाएंगे अपनी पावर। जी हाँ, आज की रैली के जरिए वो अपनी शक्ति दिखाएंगे सतारा में। आज सतारा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे शरद पवार और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पार्टी में उनका अभी कितना दबदबा है। सतारा में शरद पवार की आज की ये बड़ी रैली होनी है जिसके लिए खबर आ रही है कि वो निकल भी चुके हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे शरद पवार, अपने साथ खड़े रहने की अपील करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा संदेश दे सकते हैं शरद पवार, एक बड़ी मैसेजिंग करने की कोशिश यहां से हो सकती है। पार्टी में टूट के अगले दिन रैली करना अपने आप में काफी अहम है। बहुत सारे मैसेज वो पहले ही दे रहा है कि टूट के एक दिन बाद ही ये बड़ी रैली की जा रही है और खुद शरद पवार उस रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निधि, सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या पार्टी पर कंट्रोल बना रहेगा शरद पवार का? बिल्कुल, क्योंकि पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और अब देखना यह होगा कि क्या पकड़ बना पाते हैं शरद पवार। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सतारा में बड़ी रैली है, सीनियर पवार पावर दिखाने वाले हैं। आनंद, क्या कुछ आयोजन किया गया है एनसीपी शरद पवार की तरफ से, जो कि कहा जा रहा है कि सतारा उनका गढ़ माना जाता है, वहां पर शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा? जी बिल्कुल, और वहाँ के लिए शरद पवार अपने घर से निकल चुके हैं। लगभग एक घंटे का वक्त हो चुका है, 8 बजे वो अपने पुणे के घर से निकले थे और लगभग 80 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय कर लिया है। 2 घंटे में और लगेंगे कराड़ पहुँचने पे में, जहाँ पे वाईबी चौहान की समाधि है। और आपको याद होगा और आपको पता होगा कि आज गुरु पूर्णिमा, और हर गुरु पूर्णिमा को शरद पवार वाईबी चौहान की समाधि पर कराड़ में जाते हैं। और अभी शरद पवार का जो काफिला, हम आपको बता दें, हम उस काफिले के साथ साथ चल रहे हैं और शरद पवार के काफिले में उनकी खुद की गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसमें उनके जो पोते हैं और विधायक भी हैं रोहित पवार, वो बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ राज्यसभा की जो सांसद है वंदना चौहान, वो भी बैठी हुई है। और आपको शरद पवार नजर आ रहे होंगे इस गाड़ी में, देखिए शरद पवार इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ आगे की सीट पर उनके जो पोते हैं और विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उनके बगल में वंदना चौहान जो कि राज्यसभा की सांसद, वो बैठी हुई है। और इसके अलावा कई गाड़ियों का काफिला शरद पवार के साथ चल रहा है कराट के लिए, और जगह जगह पे शरद पवार को रोक के जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। अभी शिवापुर टोल हम लोगों ने क्रॉस किया, जहां हम लोगों ने देखा कि वहां पटाखे भी फोड़े गए शरद पवार को के समर्थन में और उनको फूल माला पहनाई। और आपको हम बता दें सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बारिश भी हो रही बावजूद, सबसे बड़ा प्रश्न है कि शरद पवार क्या हासिल करना चाहते हैं? पार्टी में टूट के एक दिन बाद ही इस रैली को आयोजित किया जा रहा है, लक्ष्य क्या है शरद पवार का, टारगेट क्या है, क्योंकि पार्टी तो टूट गई है। जी बिल्कुल, शरद पवार ये बताना चाहते हैं कि भले ही उनकी पार्टी में बगावत हो गई हो, लेकिन अभी भी वो ही एनसीपी के सर्वोच्च नेता हैं। और आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, देखिए ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जो सड़क पे खड़े हैं और शरद पवार यहाँ कुछ सेकंड में पहुंचने वाले हैं। देखिए ये उनके हाथ में एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, पटाखे भी आपको नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया जा रहा है शरद पवार का, और कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडे लिए हुए हैं, फूल माला लिए हुए हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। शरद पवार दरअसल ये बताना चाहते हैं कि भले ही उनकी पार्टी में बगावत हो गई है, लेकिन अभी भी एनसीपी के सबसे बड़े नेता, सर्वोच्च नेता वही हैं और अभी भी उनके साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं का समर्थन है, एनसीपी का संगठन उनके साथ है। और यही वजह है कि शरद पवार से जब कल पूछा गया कि अभी एनसीपी का किसके अंडर है, कौन इसका नेता, तो उन्होंने कहा था शरद पवार। तो इस एक इमोशनल अपील के जरिए शरद पवार ही बताना चाहते हैं कि पहले भी कई बार उनकी पार्टी में बगावत हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक शरद पवार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। जो काफिला गुजर रहा है शरद पवार का सतारा के लिए, जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो उनका हुजूम देखने को मिल रहा है, उनसे मिलने के लिए तांता लगा हुआ है शरद पवार से।